नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देश में हर साल करीब 2500 लोगों की मौत की वजह सड़क पर बने गड्ढे होते हैं। इसके बावजूद इन गड्ढों को दूर करने के लिए लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से जो जरूरी कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते हैं। अब तो हालत ये है कि दिल्ली में पूरी की पूरी सड़क ही टूटकर धसी जा रही है और इससे गड्ढे नहीं बल्कि बीच सड़क पर खाई बन गई है। दो दिन पहले दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में एक हादसा हुआ। लोग हैरान थे कि सड़क का ये हाल भी हो सकता है, पर सवाल ये है कि सड़कों पर गड्ढे बनाने वाले इस सिस्टम को ठीक कौन करेगा? सरकार कब तक अपनी जिम्मेदारी से भागेगी? इसी पर आज का घंटी बजाओ, इसी पर हमारी कवर स्टोरी। हमारी रिपोर्ट देखिए और दिल्ली के लोगों की जान खतरे में डालने वाली सरकार के खिलाफ घंटी बजाइए। नंबर आप देख सकते हैं 8422840000। फोन उठाइए, घंटी बजाइए। जो यहाँ का ठेकेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसका ये कारनामा है सारा। अचानक से ये सड़क यहाँ पे धस गई, एक पुलिस के जवान की गाड़ी इसमें समा गई। सारा पैसा कमीशन खोने में चला गया, लगाया कुछ नहीं है। ठेकेदार है, जेई है, एई है, एक्शन है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे उस सड़क का हाल है, अभी वो नाले का लेंटर गिर गया था कुछ साल पहले ही। ये दिल्ली का आईआईटी फ्लाईओवर है जो काफी मुख्य रोड माना जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था रोड बनाने का, क्या उस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? पर नहीं, सरकार नहीं उठाएगी। ये मेन रोड पर ही कितना ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया है सड़क धसने से। ये सब लोग ले जुड़े, ये सब लोग ले जुड़े। करीब 50 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा, यह है दिल्ली की सड़क पर सिस्टम का वो गड्ढा जिसमें सरकार के सारे दावे डूब चुके हैं। ये गड्ढा उन झूठे वादों का सबूत है जो दिल्ली के लोगों से किए गए। इस गड्ढे में झांकिए और ढूंढिए कहां है वो वर्ल्ड क्लास सिटी जिसका सपना दिल्ली वालों को दिखाया गया। ये हाल है उस शहर का जहां से देश की सत्ता चलती है, जहां एक नहीं दो दो सरकारों के मुखिया बैठते हैं, फिर भी यहां की जनता के लिए इस तरह के गड्ढे खोदे जाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा अपने आप नहीं हो जाता। जब ऊपर से चमचमाती सड़क के नीचे भ्रष्टाचार की परत बिछाई जाती है, तभी सड़क अचानक इस तरह धंस जाती है और कभी उसमें इंसान तो कभी पूरी पूरी गाड़ी समा जाती है। कुछ दिनों पहले की ही बात है जब द्वारका में बारिश के बाद सड़क अचानक फट गई और चलती हुई कार बीचों बीच बने गड्ढे में समा गई और अब आईआईटी फ्लाईओवर के ठीक नीचे की सड़क में पहले दरार आई और कुछ ही मिनटों में वो दरार खाई बन गई। इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर चलना कितना सुरक्षित है, कब कहां कौन सी सड़क धस जाए किसे पता। जब ये गड्ढा हुआ उस समय पर यातायात यहाँ पर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर यातायात उस समय चल रहा होता तो कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता था, लोगों की जान को खतरा भी पड़ सकता था। बताया ये भी जा रहा है कि इस सड़क का हाल बेहाल है और इस सड़क पर जगह जगह पर इस तरह के गड्ढे हैं, तो ये पूरा जो हाल है वो बेहाल सा नज़र आ रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता उस व्यवस्था को जो इतनी लाचार है कि बिल्कुल राजधानी के एक मुख्य इलाके में बीच में सड़क जो है वो धस जाती है। हमें ये भी बताया गया कि वहाँ पर एक यहाँ पर सीवर है, लेकिन यहाँ पर सीवर भी पाटा नहीं गया है। काफ़ी दिन से इस सीवर में भी समस्या आ रही है। यहाँ पर ये पूरा एक पूरा जो सीवर है इस पर भी कई बार शिकायतें की गई हैं लोगों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोई भी समाधान नहीं हुआ है। ये हाल उस सड़क का है जो दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में,
जहां से एक रास्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता एम्स अस्पताल की तरफ। सवाल है कि यहां ऐसा क्या हुआ कि अच्छी खासी सड़क अचानक धंस गई? क्या ये सिर्फ बारिश का असर है या इस गड्ढे के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है? पहले सिकसराय के अंदर भी सेम ऐसे ही हुआ था, तो गाड़ी भी चलेगी थी उसके अंदर। लोकल में जाओगे, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, लोकल में भी हुआ। ये दिल्ली सरकार जो है ना, इससे पहले भी जो सरकार थी यहाँ पे हमारे देश के अंदर, खासकर कैपिटल के अंदर, ये सब लोग ऐसे करप्ट लोग हैं। अभी एक गवर्नमेंट डालेगा दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर, दूसरा डालेगा CPWD के अंदर, सब लोग मिले जुले हैं, काम तो करते नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कितना बिलो कितना आप उसका पता नहीं है, घूस हो रही है यहाँ पर। मैम सरकार जिम्मेदार है, सारा सब लोग भ्रष्ट हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे, वो सोचेगा जितना से जितना बचा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सब हो रहा है, देख रहे हैं। अभी पिछले बारिश में, मतलब मैं उधर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रहता हूँ, वहाँ तो पूरी मतलब डूब जाती है, और मतलब कोई नगर पालिका, कोई कुछ नहीं। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़क रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक सड़क का सवाल है। पिछले कुछ दिनों में मानसून की बारिश ने दिल्ली का जो हाल किया वो भी हैरान करने वाला था। महज चंद घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली डूब गई। ऐसा लगने लगा जैसे दिल्ली में पानी निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। दिल्ली के इसी हाल को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आज केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में हाल ही में चर्चा में आई दिल्ली की चार तस्वीरों को पोस्ट किया। द्वारका में सड़क में गड्ढा होने से कार गिरने वाली तस्वीर को, अंडरग्राउंड पार्किंग, हौज खास के गड्ढे को, लंदन जाने वाली गुफा, दिल्ली में पानी भरने वाली तस्वीर को, स्विमिंग पूल और यमुना में जहरीले झाग की तस्वीर को डल झील बताते हुए तंज किया। साथियों, राजधानी दिल्ली में एक और जहां पर भाजपा की सरकार नगर निगम में है, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 7 सालों से विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन एक ही बारिश ने इन सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि CM अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त चमकदार सपने दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये केजरीवाल के वो 10 वादे हैं जो पिछले साल चुनाव के वक्त उन्होंने दिल्ली के लोगों से किए थे। जगमगाती दिल्ली, हर घर नल का जल, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, स्वच्छ और चमचमाती दिल्ली। और इन वादों के बाद अब इस गड्ढे को देखिए। इस सड़क को उस लोक निर्माण विभाग ने बनाया है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है। सड़क टूटने पर जब उनसे सवाल किए गए तो जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड पर मढ़ दी गई। अधिकारियों के मुताबिक ये सड़क इसलिए धंसी क्योंकि इसके नीचे से गुजर रही सीवर पाइपलाइन अचानक फट गई। पाइपलाइन फटने से निकले पानी का दबाव सड़क बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए पूरी सड़क बैठ गई और इतना बड़ा गड्ढा बन गया। जानकारों की माने तो ऐसा तभी होगा जब सड़क को बनाने में भी लापरवाही बरती गई होगी। सड़क की सोलिंग होनी चाहिए, जो पत्थर का भरा होता है सैंड के साथ, वो इतनी सॉलिड नहीं होती, तो उसकी वजह से सड़क को ऊपर से तो फिनिश अच्छी हो जाती है लेकिन अंदर उसके मटेरियल नहीं होता, वो धंस जाती है। सड़कों में जब कैविटी हो जाती है, पानी आता है, कैविटी हो जाती है, मटेरियल ठीक नहीं होता, स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं होते, तो उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है कि सड़कों की मेंटेनेंस बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, पानी लीकेज होता है, पाइप लीकेज होते हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर बन रहे इस तरह के गड्ढों की 3 बड़ी वजहें हैं। हर 30 साल में पूरी सड़क की मरम्मत होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। पानी का रिसाव न हो इसके लिए पाइपलाइन फुटपाथ के नीचे होनी चाहिए, पर दिल्ली में ज्यादातर पाइप सड़कों के नीचे है। और सड़कों को बनाने के लिए जिम्मेदार अलग अलग एजेंसियों में आपस में कोई समन्वय नहीं है। कि हम मास्टर प्लान बना लेते हैं, जोनल प्लान बना लेते हैं, सेक्टोरल प्लान बना लेते हैं, हाउसिंग का प्लान बना लेते हैं, लेकिन ड्रेनेज का कोई इफेक्टिव प्लान नहीं बना। जैसे कि दिल्ली में करीब 30,000 लंबाई में 30,000 किलोमीटर सड़कें हैं, उसमें से 70-75% सड़कें PWD के पास हैं, करीब 20% सड़कें
MCDs के पास हैं, 5% सड़कें DDA के पास है, इस तरह से 11 एजेंसीज हैं, पर मेन जिम्मेदारी जो है वो आएगी हमारी प्लानिंग की, तो इसके लिए एक यूनिफाइड संस्था बने। टूटी हुई सड़कें या सड़कों पर बने गड्ढे हादसे का कारण भी बनते हैं। द्वारका में 19 जुलाई को जो कार गड्ढे में गिरी उसे एक पुलिसकर्मी ड्राइव कर रहा था। कार गिरने के समय वो कार के अंदर ही मौजूद था। अगर वो तुरंत पीछे का शीशा तोड़कर बाहर नहीं निकलता तो इस घटना में उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन देखिए ऐसी घटनाओं पर भी राजनीति कैसे होती है। PWD की जो सड़कें हैं उसके अंदर गड्ढे हो रहे हैं और बारिश आते ही वो सड़क धस रही है। मेरा सीधा सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर है कि जिस प्रकार से PWD की सड़कें बन रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा घोटाले की बू आ रही है। जैसे द्वारका के अंदर एक सड़क के अंदर धसी थी वो DDA की सड़क थी। अभी IIT गेट के सामने जो सड़क धसी वो दिल्ली गवर्नमेंट की PWD की सड़क थी। और भी अगर कहीं पे इस तरीके का होता है, हम कोशिश करेंगे कि अगर इसके अंदर कोई पैटर्न है, कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हर जगह ये हो रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सड़क धसने की घटनाएं जो है अब दिल्ली में आम हो गई है। मानसून का सीजन शुरू होता नहीं कि घटनाएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। हाल फिलहाल में अगर बात करें तो द्वारका में एक घटना सामने आई सड़क धसने की, जहां पे दिल्ली पुलिस के एक जवान की गाड़ी ही सड़क धसने से धस गई थी। तो आप सोचिए इस तरह की घटनाएं अब दिल्ली में कुछ आम ही नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन और किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य ABP न्यूज दिल्ली। लोगों को सड़क देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जब सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो उन्हें याद दिलाने के लिए घंटी बजाना जरूरी होता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए। नंबर आपके सामने है 8422840000। इलाके के विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे इन लोगों के गुस्से की वजह है ये सड़क। इस सड़क का हाल ऐसा है कि यहाँ खेत और सड़क में फर्क करना मुश्किल है, इसलिए इन लोगों ने सड़क पर ही धान की बुआई शुरू कर दी। यह हाल बांका की दुमुहान सड़क का है जिसकी बदहाली ने आसपास के दर्जनों गांव के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सालों से इस सड़क का यही हाल है लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, इसलिए अपना विरोध जताने के लिए गांव के लोगों ने ये तरीका निकाला। कल तो गिर गए थे गाड़ी में और दिल्ली जाना है, हमको काम करना है, गरीब आदमी है, हम लोग रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। हम लोग इलाके के विधायक से अपनी नाराजगी दिखाने के लिए इन लोगों ने उनके पैतृक घर के सामने वाली सड़क पर धान की रोपाई की। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में ये सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं बचती, इसके बावजूद यहाँ से बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, उनके कारण सड़क की हालत और खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि जब तक इस सड़क का काम नहीं होगा तब तक वो इसी तरह बीच सड़क पर प्रदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया है कल सुबह। सूत्रों के मुताबिक करीब 14 विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। अब क्या रणनीति है राहुल गांधी की, क्या इच्छा है और क्या वहां पर चर्चा की जाएगी, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन कल सुबह विपक्षी दलों की बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को नाश्ते पर बुलाया है। पेगासस पर चर्चा की मांग लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं। संसद का तीसरा हफ्ता चल रहा है लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है, हो हंगामा चल रहा है। और कल इसी बीच विपक्षी दलों के साथ नाश्ता करेंगे राहुल गांधी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।